तो अगर आपके पास है आईटेल A05S मोबाइल और आप अपने मोबाइल में दोस्तों गेस्चर नेविगेशन को ऑन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल को स्विफ्ट गेस्चर से चलाना चाहते हो, कैसे चलाएंगे? तो गेस्चर नेविगेशन को ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो जाता है। थोड़ा नीचे इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों सिस्टम का, सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऊपर, सिस्टम नेविगेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सिस्टम नेविगेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर गेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है और गेस्चर नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी बटन्स जो रहती है वो हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और बटन्स वो हाइड हो जाते हैं, आप अपने मोबाइल को साइड से स्लाइड करेंगे तो आपका बैक आ जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। इस तरीके से दोस्तों स्लाइड करते हैं तो आपका होम स्क्रीन डायरेक्ट कट हो जाता है। तो इस तरह से अपने मोबाइल में गेस्चर नेविगेशन को ऑन कर पाओगे।